तो यहाँ पर अब हमने कैरेट को इस तरह से चॉप कर लिया, कुकिंग ऑयल ऐड किया, ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हाफ बटर, ठीक है, कैरेट चॉप, ठीक है, मौजूद है। और इसके अलावा आपको जिस तरह से मैंने पहले भी ये बात बताई है कि आप कोई भी वेजिटेबल जो आप ऐड करना चाहते हैं अपने खानों में ऐड कीजिए, और बच्चों को भी खिलाइए और आदि कीजिए वेजिटेबल्स का, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अब जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम मीट की बात करते हैं तो तमाम मीट इस वक्त फार्मिंग है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से शिमला मिर्च की कटिंग भी डन कर दी। आपने इसमें ये वेजिटेबल जो हैं ऐड कर दी। अब आप चाहें तो इसके अंदर कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ठीक है, जुकीनी, पोटैटो, कॉर्न, ऑलिव, मशरूम, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं वो तमाम वेजिटेबल्स आप इसके अंदर सब्जियां ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। और उसके बाद यहाँ पर अनियन को भी आप कट इन टू करके इस तरह से वेस्टेज पार्ट जो है वो काट कर आप अलग कर दें, ठीक है। ये हो गया डन। इस तरह से रिमूव कर देते हैं स्किन, और यहाँ पर अनियन को भी आपने इसी तरह छोटा छोटा डाइस काट दिया, ठीक है। और अनियन को भी इतना ही पकाना है कि अनियन नरम हो जाए, और उसके बाद ये हमने अनियन शामिल कर दिया। अनियन भी शामिल करने के बाद बटर और ऑयल में अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ आपने इसको अच्छी तरह से कुक करना है, ठीक है। फिर रेड क्रश चिली, सही है, हसबे जायका आप ऐड करें, काली मिर्च कुटी हुई, रेड क्रश चिली जितना कम आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप उतना कम इस्तेमाल करें, और गरम मसाला जितना कम आप इस्तेमाल करें उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है जी। फिर इसके बाद टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर की क्वांटिटी ज़रूरी है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद नमक इसमें आप हसबे जायका ऐड करें, और फिर ये चिकन क्यूब्स आप इसमें अच्छी तरह से शामिल करके इसको भून लेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, गरम मसाला और लाल मिर्च मैं फिर कहूँगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मैदे के लिए, और जिनको प्रॉब्लम है मैदे का वो अपनी लाइफ से गरम मसाला और लाल मिर्च मिनिमाइज कर लें, ठीक है जी। वंस ये डन होता है, ठीक है, कुक्ड होता है, इसके अंदर आपने चावल जो हैं ये शामिल कर दिया, ठीक है जी। चावल शामिल करने के बाद बटर और ऑयल के साथ आपने अच्छी तरह से इसको पकाना है, और जब ये कुक्ड हो जाए, ठीक है, अब ये देखें तो जो ऑयल और बटर था वो चावल के साथ कोट हो गया है, ठीक है, ये हो गया डन। एक बॉयल आता है, फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, वो ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, पानी इतना ऐड करना है आपने कि जो लेवल राइस का है उससे तकरीबन समझ लें कि हाफ इंच
जो है पानी आपका ऊपर रहे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेम, अब मैंने स्लो फ्लेम के ऊपर राइस को हमने रखा है, और जिस तरह से मैंने कहा था कि हाफ इंच आपने पानी रखना है राइस के अंदर, अब ये देखें चावल जो है पानी खुश्क होने लगा और चावल ऊपर आने लग गए। ठीक है जी, अब हम स्लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देते हैं। ठीक है, और वंस ये चावल आपके कुक्ड होते हैं और पानी बिल्कुल खुश्क होता है तो हम इसको निकाल के सर्व करेंगे।